जब जोरों की भूख लगी हो और कुछ अच्छा खाने का मन करे तो घर में पड़े सामान से बनाइए यह सुपर टेस्टी नाश्ता। यह बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप घर में पड़े सामान से आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो रोटी ली है, मेरे पास सुबह की रोटी थी, आप ताज़ा भी ले सकते हैं। अब मैं इस रोटी को पिज़्ज़ा कटर से इसके लंबे लंबे पीसेस कर लूँगी। आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप चाकू से भी इसे कर सकते हैं और कोई भी इसे शेप में काट सकते हैं। देखिए मैंने रोटी के सभी रोटी के लंबे लंबे पीसेस कर लिए हैं। चलिए नाश्ता बनाने के लिए हम इसका एक बेटर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कटोरी बेसन लिया है, उसके अंदर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून सूजी डालना है। सूजी डालने से नाश्ता बहुत ही कुरकुरा बनकर तैयार होता है। अब यहाँ पर मैं कुछ बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालूँगी, आधा चम्मच मैं इसके अंदर जीरा डालूँगी और आधा चम्मच हम इसके अंदर अजवाइन डालेंगे। 1/4 चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर डाला है और नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। उसे पानी डालकर इसका एक पतला सा बेटर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से इसका पतला बेटर बनाकर तैयार कर लेना है और अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे हमारा बेटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। हमें इसे ना ही तो ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। पैन के अंदर हम तेल को गर्म करेंगे और जो हमने पीसेज किए थे रोटी के उसे हम बैटर के अंदर अच्छे से डिप करेंगे और इसे गर्म तेल में डाल देंगे। इस तरह से हम सभी पीसेज को फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें अलटते पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए इनका कलर कितना अच्छा है और ये कितने फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। देखिए कितना इनका कलर कितना अच्छा आया है। अगर आपको इस नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।